वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के बाद ये उनका यूएई का पहला दौरा होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात मुतवक्के, मालियाती इदारों के सरबराहान से मुलाकातों का भी इम्कान। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार, बालाई सिंध और जनूबी पंजाब सबसे ज्यादा मुतासर, सूरत हाल पूरे हफ्ते बरकरार रहेगी, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। आज लाहौर और पिशावर में पारा 44, कराची में 39, बहावलपुर में 48, मुल्तान में 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। हीट स्ट्रोक से बीमारियों में इजाफे का खदशा, शहरी गैर जरूरी बाहर ना निकले, कौमी इदारा सेहत के एडवाइजरी जारी। कहर ढाती गर्मी में लोड शेडिंग का दोहरा अजाब, शहरी बिलबिला उठे, तलब बढ़ने पर बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से तजावुज कर गया। शहरों में 6 से 8 घंटे और कहीं 16 से 18 घंटे तक बिजली गायब, देहात में 10 से 12 घंटे एलानिया लोड शेडिंग। वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई से मुलाकात, ईरानी सदर की हादसाती मौत पर ताजियत का इजहार, शहबाज शरीफ की इब्राहिम रईसी और रफका की ताजियती तकरीब में शिरकत। कायम-ए-मुकाम ईरानी सदर मोहम्मद मुखबिर से इजहार अफसोस, कहा पूरी पाकिस्तानी कौम मुश्किल घड़ी में बरादर मुल्क के साथ खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्की के नायब सदर और वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकात की, तुर्क सदर तय्यब अर्दोगान को दौरे पाकिस्तान की दावत। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की तदफीन आज मशहद में होगी। हादसे में जाँ बहक होने वाले दीगर रहनुमाओं को आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। नमाज जनाजा में ईरान के उबूरी सदर, शूरा अरकान, हम्मास सरबरा इस्माइल हनिया समेत हजारों अफराद की शिरकत। हर आंख अश्कबार, ताजियत के लिए आलमी रहनुमाओं की आमद, अफगान तालिबान का वफ्द भी तेहरान में मौजूद। फलस्तीनियों की जिद्दोजहद रंग लाने लगी, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन का फलस्तीन को आजाद रियासत तस्लीम करने का फैसला, बाजाबता ऐलान 28 मई को होगा। बेल्जियम भी फलस्तीन से सफारती ताल्लुकात कायम करेगा। कोलंबिया भी रामल्ला में अपना सफारत खाना खोलेगा। सऊदी अरब और उर्दन का खैर मकदम, यूरोपीय ममालिक के तारीख नाम पर इसराइल तिल मिला उठा, सफीर वापस बुला लिए। मगरबी किनारे में मजीद यहूदी बस्तियां बनाने का ऐलान। और बरतानिया में फिर सियासी बहरान, वजीर आजम ऋषि सुनाक ने 4 जुलाई को कबल वक्त इलेक्शन का ऐलान कर दिया, मौजूदा पार्लियामेंट 30 मई को तहरीर कर दी जाएगी। ऋषि सुनाक ने महफूज मुस्तकबिल के नारे के साथ इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी।